मेरे उल्ला हर बुराई से मचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पर चलाना मुझको। जनाब ये प्रेयर पढ़ने पर बरेली में एक उस्ताद को, वजीरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसी शायर की, जिस शायर पर सारे मुल्क में हमारी सारी पुलिस और आर्मी की जो बैंड है वो धुन बजा, उस वो धुन इस्तेमाल की जाती है, उसको उस उन स्टूडेंट्स के सामने गिरफ्तार किया सिर्फ यह कहने पर, क्योंकि उस एक स्टंजा में था मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, ये अल्लाह नाम क्यों है, इस पर बच्चों के सामने उसको गिरफ्तार किया गया और उसको नौकरी से बरतरफ किया गया। जनाब 5 अगस्त 2019 को आईन को रोंद कर, आईन को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन खत्म की गई और फिर आईन को नजरअंदाज करके उसके दो हिस्से किए गए, और आज तक यह मुल्क जो कह रहा है कि हम जी ये सबसे बड़ी जमहूरत है, 8 साल से कोई इलेक्शन नहीं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी अफसर शाही चला रही है एक स्टेट को। बात देखिए, अब उस दिन क्या हुआ, 16,000 लोगों को जेल दिया, गिरफ्तार किया गया, और आज भी कई एक नौजवान है जो रायबरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा की जिलों में कश्मीर से आए हुए और मजहबी रहनुमा है, कोदर्शी दाऊदी हूँ या मौलाना वीर हूँ, ऐसे कई एक जो आजकल जम्मू कश्मीर में बिल्डोजर राज चल रहा है जनाब, हर सुबह कई एक बिल्डोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। अब जनाब माजूर नगर हो, पातशाही बाग हो, जनाब उसन हो, जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो, तो जनाब हर जगह आज एक बुलडोजर राज, और ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बैंक या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं। जनाब जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है, कानून की कोई अमलदारी ही नहीं। अब जनाब दिल्ली में हमने इसी सरकार ने 1700 बस्तियां रेगुलराइज की और वहां पर घर के घर मुस्मार किए जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 5 2000 फुट की, 1000 फुट की, 1200 फुट की जमीन पर। तो जनाब सरकार ने खुद बिठाए और सरकार ने बिठाए थे मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत। अब जनाब यहाँ पर बॉम्बे हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, आबादी नसब बॉम्बे जनाब सरकारी जमीन पर है, गुजरात 35% सरकारी जमीन पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अलग से एक कानून है, जम्मू कश्मीर को माना नहीं जाता कि जो मुल्क का हिस्सा है, वहां पर जम्मू कश्मीर में एक अफसर शाही से एक बिल्कुल एक ऐसे जुल्म सितम है जिस जुल्म सितम का कोई भरोसा कोई हिसाब ही नहीं है। अब जनाब नहीं कोई नोटिस है, नहीं उनको अपना पक्ष रखने की कोई मौका दिया जाता है। तो जनाब ये नई एक होगी। अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वहां सब नॉर्मल है, अभी देखे इसी जनवरी में जनाब पहले जनवरी के पहले दिन ही जनाब कितना एक राजौरी में कितना एक हमला हुआ और कितने सिविलियंस हुए, उसके अलावा जनाब ये पिछले जब से 2019 का मामला हुआ जनाब तकरीबन 600 के करीब आर्मड जो है वो कन्फ्रंटेशन हो गई और आर्मड जो है वो आपस में जो गोलाबारी हुई और जनाब 600 से ज्यादा जो सिविलियंस है वो मारे गए और जनाब तकरीबन उसका नसब जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपनी जान से हाथ को। तो ये मामला थे, मेरा ये मैं फिर रिपीट कर, ये श्री बेनी बगनान जो बात है ये डिमोशन का ड्राइव जो है इसको बिल्कुल खत्म किया जाए, पहले रोक दिया जाए और जनाब और अगर कहीं पर कुछ है तो लोगों को एक मौका फराहम किया जाए कि हर एक अपना। थैंक यू सर, बिल्कुल मौका।